भूताली स्वप्न देखुली बाप रे बाप कि भयंकर स्वप्न थिला अरे भाउज आस रात्रि संध्या कहती तो कहीं मुते बड़ देखुनी अरे हाँ तो मु भी तो के देखनी कड़े गले से संध्या मत हलदी न लगे अंजलि बाहर कम्प्लीट केमी हम रुह मुझे सांगे सांगे डाक आस आज ये घरे समस्ते अच्छा ए घर खुशी रे समस्ते सामिल हेले समस्त भितर तमे ना हो प्रत्युष मोर ये आखि दीटा से भीड़ भितर खाली तुमको खोजुची अन्य मानक आखिर भी मु खाली से गोटे प्रश्न पढ़ी पारुची प्रत्युष कौन आउ फेरिबेनि उत्तर दे दे मु थकी गली प्रत्युष प्लीज फेरी आस प्रत्युष को मिस कर ना संध्या मु तते बुझे थी ना तो कहीं व्यस्त हो प्रत्युष निश्चय फेरबे समस्ते से गोटे कथा कहते रात्रि प्रत्युष फेरबे प्रत्युष फेरबे किंतु कहाँ थी से कहीं की फेरु ना थी कौन है जी तांकर किछि है नी तांकर संध्या तो कहीं की कहा कथा को इते गुरुत्व तो दोजु कौन पे भांगी पड़चु मु आउ पारुनी रात्रि दिन जति की गड़ी गड़ी जाउची वासा सेति की मरी मरी जाउची ताको बंचे की रख मरिबा को देना समय आसे जेते बेले जणे अन्य जणक पई बंचे तू प्रत्युष को पई बंचे छु माने कोठी ना कोठी प्रत्युष भी तो पई बंचे थिबे देखिबु प्रत्युष निश्चय फेरबे आउ तते सही भल पाइबा देबे जो भल पाइबा को तो आज पर्यंत अपेक्षा करि बसिछु जदि आज पर्यंत अपेक्षा करिछु तले आउ किछ दिन अपेक्षा करि जा ना देखिबो से समय निश्चय आसिबो तो आज परीक्षा दिन रे कानली संध्या नहले तोरे आखि लुह स्वस्तिक भाईर बाहाघर को धोई देबो चल तते समस्ते अपेक्षा करी बस चंदी
अंजलि को हलदी लगे दबो चलो देख सम्राट मो पु को मो तोरी सामने नहीं जाऊँ दाम अच्छी तो अटके देखा मत चंद्रकांत राय महंगा पड़ब ते जापटा गोटाए जापटा बदल मुझे तो हजार जापटा देवी जहाँ दाग तू के खोदिक पाइबुनि के नुह भूल कि जीवन थी जाए भूल भी ना अंजुल जी सीना मत नुए देला हेले मो राग थंडा करि पारिनी भितरे भितरे मु ए बेबी जळुची आ जळुथिबे ए ये कोन एठी बसचंदी मालिक एठी कोन बसछ जे आ कोठी बसबे तो मुंडो परे दादा तो काम तू कर चिल्लाना मते बाबू आज पर अंजु दीदी बाहाघर से आयोजन चली थी बाहाघर पर क्या गोटे तले लगुन थमें ये चुपचाप बस अंजु दीदी तुमको मन मन के खोजु थे मालिक बापा न रे झी बाहर केमी हे जे कन्या पिता ही तुम कन्यादान कर ना ना मु कन्यादान करी ना बाहर हम तुम्हें रेडियो बन कि आउ किछि समय परे गेस्ट माने आसीबा आरंभ कर देबे ना मु जानि छी सूरज तमे बाहागर रे खुशी नुह मु भी को खुशी जे हेले लोकंगु तो शो करबा को पड़िबो ना आमे खुशी बोली मितु खाले आमे खुशी बोले शो कर देले कोन घर सम्मान रहि जइबो ठीक कहिजो ए बाहागर परे तो घरर मान सम्मान सब माटी रे मिसी गला बोली जाननियो बाबा एत बुझाला हेले से कौन बुझले से संध्या कथार गोटे छोटलोक झील को बोहू करने को राजी गले तो तुम मान सम्मान धज्जा उड़ला बोली जानियो मुझे कहूनि मितु आगे पर अंजलि बाहर मंडप को जीव तो मुझे अटकेबार पावर तो मो पाखे ना ना जदि पार तुम्हें जा अटकाओ तुम डाडी को बुझाओ डाडी की नुहे मुझे तुमको बुझे मत्ते मत्ते कोन बुझिबो जहाले अंजलि घर बहु बाबा को जाउची किछि गहना नपिन बेदी पुरजिया कोन ठीक हेबो तमे कोन कहबा को चाहौचो मो मतरे तमे से गहना सबो मत्ते नुओ घरर बड बहु हिसाब रे ते गहना उपरे मोर अधिकार अछि बाबा ताकु देखि भूल करथिले मु केत्ते कष्ट रे से गहना ताठु आनिछि आ तमे कहौचो कोन ना मु से गहना ताकु दे देबी अरे बुझिया को चेष्टा कर बिना गहना जदि अंजलि बेदी पुरु जाए तो डैडी सम्मान नष्ट हो नष्ट हबा दरकार
थरे तुम डैडी मान सम्मान तले पड़े से ठीक जानवे से संध्या कथार पड़ से केते बड़ भूल करोटे मीठा बालार झील को मो सांगे सम्मान करी बहुर अधिकार दौरान लोक मान भी जानवा दरकार से बहुर प्रकृत स्टैंडर्ड कौन तमें देख अंजलि मु आज तुमको एमती सजेबी भाई देखिले पूरा बेहोश हो जीवे ए तमें एमती मुह कहीं सुखेच गहना नहीं बोली अरे एमती रे तो तमें बहुत सुंदरी ना संध्या गहना पई नहीं ताहले बापां को पई मु एबे भी पूरा श्योर बापा मो बाहागर को आसीबिनी काई मौसा तो निजे राजी हेथिले खाली मो खुशी पई सी एबे भी ए बाहागर रे खुशी नांती तमें व्यस्त होनी अंजलि तमें सीना एमती कहुच किंतु मो मन कहूँ मौसा निश्चय आसबे संध्या अंजलि रेडी है कि नहीं हाँ माँ सरला आ अल्प अच्छी अरे अल्प कौन सी तो जाए कि भी गहना पिंधिनी एमती बेदी उपरको जीवना कौन कौन आरब सेमती ही जीवा पड़ कई बाप तो झील को किसी देनी पिंधब कमती खाली गोटे मुदी दे रही जा काले दबा को पड़ बाकी चंद्रकांत को जहाँ देते से तो सब मिताली को दे देने कौन अंजलि बिना गहन बेदी उपरको जीव लोक कौन कह कथा तो लोके हसबे आम उपरे कह कि कांगल घरे पुओ को बाहादेला जे खंडे सुना गहना भी देह को देना से जदि ओजन ना ताले बड़ घरे झीक बाहर देवा को मन कहीं आंटी जाल बिछे यू छाण लोभी कौटिकार अंजलि एतिक मन दुख करुच भल पाइबा को पाइबा बहुत किसी सहवाक पड़े किंतु तमें चिंता करनी तम सांगे मु अच्छी आओ मूवी अरे समुदी कौन जाऊँ आप गोटे देखिक आस अंजलि रेडी लगे ना नहीं ना आप व्यस्त हूँ मुझ शुभ को पठे से अंजलि कथा बुझीज आप गोटे कम करूँ मेन गेट को जातु कितने गेस्ट आसवे से रिसीव करेंगे हाँ बाबू अरे गोविंद काका तुम जा कड़े गोटे जरूरी कथा थी बाबू कि कथा कह अंजलि बोमा कौन बिना गहन बेदी उपरको आसवे कौन पाई मिथो एटिक सुनो कौन है बाबा सुनिले तुम अंजलि पाखु सब गहना नहीं जाइछ नहीं जाइछ माने छोड़ी तो नहीं ना ते गहना अंजलि निजे मते देथिले बाजे कथा कोनि गोटे झियो बिना गहना रे बेदी उपरको आसी बारछि तमे कोचो से दे दिजे आपन कर जदि विश्वास होनी ताले आपन संध्या को पचारंतु मोर काहा को पचारबा दरकार नै मो जानिछि भलगिरि तमे सेमिति किछ परिस्थिति निश्चय सृष्टि करथिबो परिस्थिति कोन सृष्टि कली आपन मते कम गहना देकि मो संगे अन्याय करचंदि सेई कथा तो कहिथिलि से कथा सुपरे तमे एबे जाओ से गहना ओटा को देदि गेस ना मु देई परबिनि बितु से बेदि को ओके तमर गहना दरकार ना ठीक अछि बाहागर परे यार दिगुणा गहना मु तुमको देई देबि तुम तमर काम करो एबे जे तक से गहना देदि गेस देखो मितु एटा होछि मोर सम्मानर कथा आपन सत्त कहचंदि प्रॉमिस प्रॉमिस ठीक अछि ताले मु ई संगे संग ताको सब गहना दे दउ छी मोर ताटू बेसी गहना दरकार बाबा जदि डबल ओजन गहना देबे ताले मु से पुरुणा गहना सब कहीं रखिबी नहीं जाऊ से मितु से गहना सब अंजलि को दबो कि नहीं जदि न दबो आ अंजलि जदि सेमती बेदी पर चली आसीबो ताले तो मोर बहुत बड़ अपमान हो जीवो बर को आनंद आज्ञा
ସମୁଦି ସ୍ୱସ୍ତିକ, ଆଜି ତୋ ମମି ଥିଲେ ତତେ ବେଶରେ ଦେଖି ବହୁତ ଖୁସି ହେଇଥାନ୍ତା। ହଁ, ପୁଅକୁ ବର ବେଶରେ ଦେଖି ଜେନି ବହୁତ ଖୁସି ହେଇଥାନ୍ତା, କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଜାଣିଥାନ୍ତା ତା ପୁଅ କାହାକୁ ବାହା ହେଉଛି ଆଉ କେଉଁ ଘରେ ବାହା ହେଉଛି, ସେ ବହୁତ ମନ ଦୁଃଖ କରିଥାନ୍ତା। କାହିଁକି ନା ଜେନି ସବୁବେଳେ ଚାହୁଁଥିଲା ତା ପିଲାମାନେ ବଡ଼ ଘରେ ବାହା ହୁଅନ୍ତୁ, ମିଠାବାଲା ଘରେ ନୁହେଁ। ଆଜ୍ଞା, ବରକନ୍ୟାକୁ ଆଣନ୍ତୁ, ଆଉ ଡେରି କରନ୍ତୁନି। ସମୁଦି, ସ୍ୱସ୍ତିକ ତ ରେଡ଼ି ହେଇ ଚାଲି ଆସିଲା, ଅଞ୍ଜଳି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆସୁନି କାହିଁକି? ତାମାନେ ମିତାଲି କ'ଣ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅଞ୍ଜଳିକୁ ଗହଣା ଦେଇନି? ଏଇଠି ଆରି ଭିତରେ ରଖିଥିଲି, ତାହେଲେ କୁଆଡ଼େ ଚାଲିଗଲା, କିଏ ନେଇଗଲା ସେ ଗହଣା? କାଲି ରାତିରେ ମୁଁ ଯାହା ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିଥିଲି ଆଜି ସେଇଟା ସତ କେମିତି ହେଇଗଲା? ତା ମାନେ ସେଇଟା ମୋର ସ୍ୱପ୍ନ ଥିଲା ନା ସତ ଥିଲା? ବାବୁ, ବ୍ୟସ୍ତ କାହିଁ ହେଉଛନ୍ତି? ଅଞ୍ଜଳି ବୋହୂମାଙ୍କର ସଜ ହେବା ସରିନଥିବ ବୋଧହୁଏ, ସବୁ ଗହଣା ପିନ୍ଧିବାକୁ ସମୟ ତ ଲାଗିବ ନା ନାହିଁ? ମୁଁ ଖାଲି ଗୋଟେ କଥାକୁ ଡରୁଛି ଗୋବିନ୍ଦ କାକା, ଅଞ୍ଜଳି ଯଦି ବିନା ଗହଣାରେ ବେଦୀପୁର ଚାଲିଆସେ ମୋ ସମ୍ମାନ ରହିବଟି? ଶୁଭବେଳା ଗଡ଼ିଯାଉଛି, କନ୍ୟାକୁ ଶୀଘ୍ର ଡାକନ୍ତୁ। ଗୋବିନ୍ଦ କାକା, ଆଉ ନୁହଁ, ମୋତେ ନିଜେ ନିଜେ ଦେଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ମିଥୁ, କ'ଣ ହେଲା? ଆରେ, ଅଞ୍ଜଳି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆସୁନି କାହିଁକି? ବାହାଘର ସମୟ ଗଡ଼ିଯାଉଛି, ତମେ ତାକୁ ସେ ଗହଣା ସବୁ ଦେଇଛ ନା ନାହିଁ? ନା। ମୁଁ ଜାଣିଛି ତମେ ଏତେ ବଡ଼ ସାକ୍ରିଫାଇସ୍ କେବେ ବି କରିପାରିବନି, ଯେତେ ବଡ଼ ସାକ୍ରିଫାଇସ୍ ସେ ତମ ପାଇଁ କରିଦେଲା। ଏଥିରୁ ଅନୁମାନ କରିନିଅ ତମ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ଭିତରେ କେତେ ଫରକ। ମୁଁ ସେ ଗହଣା ପାଉନି ବାବା, ସବୁଆଡ଼େ ଖୋଜି ସାରିଲିଣି, ମତେ ଲାଗୁଛି କିଏ ମୋତେ ଚୋରି କରି ନେଇଛି। ନବାର ଗୋଟେ ବଢିଆ ବାହାନା। ନାଇଁ ବାବା, ମୁଁ ସତ କହୁଛି, ମୋତେ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତୁ। ତା ମାନେ ଚନ୍ଦ୍ରକାନ୍ତ ରାୟର ବହୁ ବିନା ଗହଣାରେ ବେଦୀପୁରକୁ ଆସିବ? ନାଇଁ, ଏ ବାହାଘର ବନ୍ଦ ହେଇଯାଉ ପଛେ, ମୁଁ ବାହାଘର ହବାକୁ ଦେବିନି। ଆରେ, ଆପଣ ଏମିତି କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି? ମଙ୍ଗୁଳା ବରକନ୍ୟାଙ୍କର ବାହାଘର କ'ଣ ବନ୍ଦ କରାଯାଏ? ବନ୍ଦ କରା ନଗଲେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଲୋକ ହସ ହେବା। ଚନ୍ଦ୍ରକାନ୍ତଙ୍କ ବୋହୂ ଗହଣା ନ ପିନ୍ଧି ବେଦୀରେ ବସିଲେ ସେମାନେ କହିବେ ଭିକାରୀ ଘରୁ ବୋହୂ ଆଣିଛନ୍ତି, ଥଟ୍ଟା କରିବେ ସେମାନେ ଆମକୁ। ଅପବିତ୍ର ପବିତ୍ର ବା ସର୍ବାବସ୍ତଙ୍ଗ ବିବାଜ ସ୍ମରନ୍ଦ ବଲ୍ଲରି କାଠ୍ୟଂ ସମାଭେନ୍ଦନଂ ସୁଜେ ପାପହଂ ପାପକର୍ମହଂ ପାପାତ୍ମା। ସମୁଦି, ଆଉ କିଏ ହେଲେ କ'ଣ? ଆସନ୍ତୁ ଏଠି ବସିବା, ଆଉ ବାହାଘର ଦେଖିବା। ବାହାଘର ହେଲେ ତ ଦେଖିବ। ଓ ନନା, ସେ ବାହାଘର ମନ୍ତ୍ର ବୋଲିବା ସେତିକି ଥାଉ, ଏ ବାହାଘର ଆଉ ହବନି। ବାହାଘର ହବ, ନିଶ୍ଚୟ ହବ।